गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। बहुत 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 तेज़ गर्मी वाले दिन चल रहे हैं यहाँ राजस्थान में। मानसून वैसे तो ऑफिशियली एंटर हो गया है पर अभी तक हमें तो दिखा नहीं है। बहुत ही तेज़ ह्यूमिडिटी भी है और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है, तो बहुत सड़ी वाली गर्मी पड़ी हुई है। और ये देखो मैं आपको खुशखबरी दे रही हूँ, लोगों ने मुझे पूछा था जो बीज आप लगा रहे हैं उनका जब निकल आए तो अपडेशन ज़रूर दें, तो मैं दे देती हूँ आपको। बाकी तो अभी कोई नहीं निकले हैं। 27 तारीख की शाम को मैंने ये लगाए थे और आज 29 तारीख की सुबह जो है फूल गोभी, पत्ता गोभी और कुछ टमाटर के जो है ना प्लांट्स हैं वो ग्रो हो गए हैं, निकल आए, जर्मिनेट हो गए हैं मेरे सीड्स। ये देखिए पत्ता गोभी जो मैंने कॉर्नर्स पे पॉट्स थे उनमें लगा दी थी उस दिन। और ये टमाटर एक जो है प्लम वाला जो टमाटर है वैरायटी का येलो कलर का जो आएगा वो भी निकल आए हैं। और कुछ और टमाटर्स थोड़ा थोड़ा जर्मिनेट होते दिख रहे हैं, तो बीज बड़ा अच्छा निकला है नर्सरी लाइव का इसका मतलब, और है ना जल्दी जर्मिनेट होना शुरू हो गया है। ये मौसम पे मैंने आपको बोला ही था कि कोई भी चीज़ आप लगाओगे राइट है ना उसको बिल्कुल अंदर तक डालोगे, ज़्यादा अंदर नहीं दबाओगे तो वो सही तरीके से निकल आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये नहीं है कि हम लोग है ना 7 दिन पहले जो फ्रूट के प्लांट्स लेके आए थे नर्सरी से, तो आज मैं उनको रिपोर्ट करने वाली हूँ। 7 दिन वो रखे रह गए हैं, एनवायरनमेंट मेरा छत का पकड़ लिया है उन्होंने। और देखो गमले मेरे पास बड़े वाले अभी फ्री नहीं है, तो मैं ये 12 इंच वालों के पॉट्स में उनको अभी शिफ्ट कर दूँगी मानसून में अच्छी सी खाद वाद डाल के। और फिर उसके बाद अक्टूबर में जब भिंडी लगी हुई है मेरे 24 इंच के प्लांट्स में वो फ्री हो जाएंगे तो हम लोग वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो मिट्टी ये मेरी जो है ग्रो बेड्स के लिए मैं तैयार कर रही थी उस दिन वाली बची हुई है ये, तो इसमें ऑलरेडी डला हुआ है काफ़ी कुछ न्यूट्रिशन। पर फिर भी हम लोग फ्रूट्स के प्लांट लगाएंगे इसलिए मैं 60% के करीब इसमें न्यूट्रिशन रखना चाह रही हूँ। तो मैं और वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड करूँगी और थोड़ी थोड़ी जो सूखी खाद है हमारी वो भी डालेंगे, रेत। और देखिए कोकोपीट इसमें बहुत अच्छे से मिला हुआ है, बिल्कुल लाइट सी मिट्टी है ये। पिछले पूरे साल मैंने अपनी मिट्टी में काफ़ी कोकोपीट ऐड किया और रेत भी ऐड किया, तो मैं अब एक्स्ट्रा नहीं बन करती हूँ। ये देखिए ये मेरा 12 इंच के पॉट्स जो गर्मी में है ना खाली होकर रख जाते हैं इधर, सबको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ। सर्दियों में ये भरते हैं, कुछ सब्जियाँ भी लगाती हूँ, कुछ बड़े फ्लावर प्लांट्स भी लगाती हूँ, और गर्मियों में यहाँ पे इनको मैं खाली करके रख देती हूँ। और ये मेरे फ्रूट्स के प्लांट जो मैंने रखे हुए हैं, थोड़ा सा हल्का शेड भी आ जाए जिससे इन पर पूरे दिन की बहुत तेज़ धूप ना लगे, तो आज हम लोग इनको रिपोर्ट करेंगे। तो ये देखो आप मिट्टी में मैंने सूखी सारी जो चीज़ें मैं अपनी मिलाती हूँ, थोड़ी सी नीम की खली, सरसों की खली, राख भी डाला है मैंने इसमें, प्योर वाला जो वुड ऐश होता है, और ट्राइकोडर्मा डाला है, कैल्शियम डाला है, जाइम डाला है। तो वो सारी चीज़ें जो सूखी वाली मिक्सचर में अपना बना के डालती हूँ वो भी मैंने थोड़ी थोड़ी ऐड कर दी है इसमें। और मैं 5-5 किलो के ये 2 कट्टे मैंने रखे हुए हैं, पर मुझे लग रहा है ये 1 5 kg और 1.5 7.5 किलो के करीब मैं इसमें मिला दूँगी, इतनी ये मिट्टी होगी। तो 50% तो अभी मैं मिला दूँगी और पहले से मिला हुआ है इसमें कुछ 10-20%, तो अच्छा खाद हो जाएगा बहुत। कुल मिला के मैं ये चाह रही हूँ कि 12 इंच के पॉट्स में भी जो मेरे फ्रूट प्लांट है उनको कोई ऐसा नुकसान ना हो, बड़ी अच्छी सी बहुत अच्छी बढ़त लें मानसून में वो। तो ये मिला के और मैं फिर जिस तरह से भिगोती हूँ मिट्टी को, अभी मैं सुबह यही काम करके रखूँगी, पूरा दिन मैं फिर भी उसको भिगो के रख जाऊँगी जिससे हीट वगैरह थोड़ी सी निकल जाए उसमें। 1-2 दिन के लिए मैं नहीं रखूँगी क्योंकि मानसून का पता नहीं है कब बरसने लग जाए। तो बस इसको भिगोते हैं हम लोग और शाम को ही मैं इसको, इवनिंग में आप जो भी कोई भी प्लांट रिपोर्ट करें इवनिंग में ही करें जिससे रात की ठंडक में उसकी जड़ जो है आराम से बैठ जाए, उसको गर्मी ना पहुंचे या नमी उसकी ख़त्म ना हो। तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का, आप इवनिंग में रिपोर्टिंग करें। ये देखिए आप ये भिगोने के लिए मैं लिक्विड NPK जो है लिक्विड कंसंट्रिया इफको का और राइजोबियम और एजोटोबैक्टर तीनों चीज़ें एक एक ढक्कन डाल लेती हूँ मैं तो अपने 10 लीटर के कैन में, और बस इसको भिगो के रख दूँगी मैं जिससे इसके जीवाणु भी इसमें एक्टिव हो जाएं और जो हमारा न्यूट्रिशन डला है वो बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाए मिट्टी और प्लांट्स। इसको भिगो देती हूँ बस मैं एक एक ढक्कन में डाल लेती हूँ, अंदाजे से बस बहुत होता है और बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि ये भी इतना भी नहीं प्रेस्क्राइब होता उसमें। पर मिट्टी तैयार करते टाइम अभी डर नहीं होता ना, प्लांट नहीं लगाते तो थोड़ा कम ज़्यादा चलता रहता है। तो इस तरह से बस मैं इसको भिगो के अभी तो रख जाऊंगी पूरा दिन के लिए। और ये पोर्शन अपने वीडियो का
बस इसको भिगोने के बाद यहीं समाप्त करूँगी मैं। शाम को मैं फिर आपको दिखाऊँगी बना के कि किस तरह से है ना रिपोर्ट करूँगी मैं इनको। फ्रूट्स के प्लांट थोड़े हार्डी होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा रफली रिपोर्ट कर सकते हो आप उनको, पर फिर भी आप देख लीजिएगा कि किस तरह से है ना करेंगे हम लोग। बस ये मेरा अभी का काम समाप्त होता है यहाँ पे। देखो इनमें नीचे थोड़ा थोड़ा तो अभी भी पड़ा हुआ है पुराना जो मेरा मटेरियल था। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप लोगों का। शाम के 7 बजे हैं और 6 बजे मैंने ऊपर आके फिर से एक बार मिट्टी में थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया था, जिससे ना थोड़ी और नमी बन जाए इसमें। और अब हम लोग रिपॉट करेंगे अपने प्लांट्स को, तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है काम करते वक्त वीडियो बनाना और कोई बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा जिसके हाथ में मैं मोबाइल पकड़ा सकूं, तो ये हिलने लग जाता है लेफ्ट हैंड में अगर मैं पकड़ती हूँ तो मैं इसको, चलिए रुकिए मैं इसको अभी सेट करती हूँ थोड़ा मोबाइल को। और ये थोड़ी सी हम लोग मिट्टी इसमें डालेंगे, ये हिल रहा है काफ़ी, तो मैं इसको ट्राईपॉड पर सेट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ऐसे तो ये देखो कितना हिल रहा है मेरा लेफ्ट हैंड से काम करते टाइम, इसीलिए मैं ना मोबाइल नहीं दिखाती आपको, क्योंकि मोबाइल से फिर वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए। ये मैंने इसको सेट कर दिया है अब, और वॉइस ओवर मैं करूँगी इसमें। चलिए तो शुरू करते हैं अपना काम हम लोग। और बस ये जो थोड़ा सा मैं मिट्टी डाल लेती हूँ इसमें पहले, नीचे मैंने छेद रोकने के लिए टिकड़ी ज़रूर लगा दी है इसमें, ईंट का या जो हम लोग गमले के ही टूटे हुए गमले के पीसेस होते हैं वो, जिससे छेद में से मिट्टी ना निकले सिर्फ पानी एक्सेस वाला निकले, इस तरह से इसको काट के। और मैंने अपने प्लांट्स में पहले से पानी दिया हुआ है, सुबह भी मैंने दिया था और अभी शाम को भी मैंने दोबारा दे दिया था, तो इसको बाहर निकालेंगे बस। फ्रूट के प्लांट्स मैंने आपको सुबह भी बोला था कि बहुत मजबूत से होते हैं, तो इनमें दिक्कत नहीं होती, बस ये साइड से तो थोड़ी सी जड़ें अगर आप निकालना चाहें हटाना चाहें तो हटा सकते हैं इनको। और ये थोड़ी सी लूज़ करेंगे मिट्टी हम लोग इसकी, इससे क्या है जो जड़ें बढ़ रही हैं वो आपकी नई मिट्टी को बड़े आराम से पकड़ लेंगी, इसका फ़ायदा ये होता है। और है ना फिर वो आपके न्यूट्रिशन को लेते हुए अच्छी बढ़त ले लेंगे, तो इसलिए हल्का सा लूज़ करेंगे हम। और अगर आप लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता है लूज़ करना तो बिल्कुल मत है ना इसको कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं होती नए लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा इसको छेड़ने की जड़ों को इसकी ख़राब हो जाए कहीं। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप वैसे का वैसे प्लांट भी जो है गमले में लगा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको। बस कई बार ऐसा होता है कि बहुत हार्ड मिट्टी में ये लगे होते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ी सी लूज़ कर देंगे तो हम इनकी जड़ रिलीज़ हो जाएंगी और वो अपनी मिट्टी पकड़ लेंगी जल्दी से। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि इसमें बड़ी लूज सी मिट्टी लगी हुई थी तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी, वैसा के वैसा भी लगा सकते थे हम। थोड़ी सी जड़ों की छटाई कर देते हैं, कई बार रूट बाउंड हुआ होता है इसके जो प्लांट्स में होता है, तो ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं। अभी हम मानसून में लगा रहे हैं तो आप देखो सारी गलतियाँ सही हो जाती हैं, एक बारिश पड़ जाए अगर इसके लगाते ही इस पर तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, अच्छी बढ़त ले लेगा ये, कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी इसको। और मौसम एकदम से बनने तो लगा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये वाले पोर्शन का वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ बाद में, तो अभी मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल आंधी सी चलने लगी है एकदम से, और बीच में मुझे रोकना पड़ेगा ये, क्योंकि बारिश के छींटे पड़ने लगे हैं। तो मैं अंदर जाके फिर से बोलना शुरू करूँगी, थोड़ा सा यहाँ स्टॉप करती हूँ मैं इस चीज़ को बोलने को तो कम से कम, और काम मेरा चालू है। देखो ये तो पहले कर चुकी मैं शाम को, तो ये इस तरह से बस मैं ना चेंज करती रहूँगी और भागो अंदर बस। मज़ा आ गया, बहुत अच्छी बारिश होने लगी है, अंदर आके फिर से इसको है ना वीडियो को वॉइस दे रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये तो मेरा काम चलता हुआ आप देख रहे हैं, मैं अभी अंधेरा होने लगा है इसलिए आपको अपने जयपुर में आता हुआ आंधी तूफान नहीं दिखा सकती,
बहुत अच्छी सी बारिश शुरू हो गई है और बहुत तेज़ आंधी के साथ बारिश शुरू हुई है। तो थैंक गॉड बहुत बहुत तेज़ गर्मी से गुजर रहे थे हम लोग। तो अपनी रिपोर्टिंग पे आते हैं। इसी तरह से मैं सारे ही जो मेरे प्लांट्स हैं उनकी मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ करूँगी जिससे जड़ पकड़ ले ये। और मज़ेदार बात ये हो गई कि मैंने रिपोर्टिंग करी है और इतनी अच्छी बारिश और आ गई है, तो बिल्कुल इन प्लांट्स को लगने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक ही टेंशन है मुझे कि है ना बहुत तेज़ आंधी भी चल रही है तो प्लांट्स टूट ना जाएं, और मैं साइड में भी नहीं रख पाई हूँ उनको। पर मैंने हाँ स्टिक ज़रूर मैंने इनमें लगा दी है, तो ये मैंने एक अच्छा काम किया कि साथ के साथ स्टिक लगा दी है। तो देखो रिपोर्टिंग आसान है बिल्कुल। ऐसे ही कर देती हूँ मैं तो। और इनका अपडेशन भी टाइम टू टाइम मैं आपको दिखाती रहूँगी। अक्टूबर में हम शिफ्ट करेंगे इनको फिर दोबारा। तो इसी तरह से बस मिट्टी में भरती जाऊँगी और थोड़ा सा दबाती जाऊँगी जिससे एयर पॉकेट्स जो है एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ आपकी मिट्टी में से। और ये सब इसी तरह से चारों में प्लांट्स को रिपोर्ट करके और फिर उनमें ऊपर से अच्छा पानी डाल दूँगी। और पानी तो मैंने ऐसे ही डाला। अभी तो बारिश आ गई है। वॉइस ओवर का यही मज़ा होता है कि बाद वाली चीज़ भी बता सकते हो आप। बहुत अच्छी सी और आंधी की वजह से मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। बस देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने चारों रिपोर्ट कर दिए, पानी मैंने दे दिया है और स्टिक्स मैं बोल रही थी ना आपको, ये मैंने अच्छा काम किया बहुत। कभी कभी भी ईश्वर अकल दे देता है पहले से ही कि अभी आंधी आने वाली है। तो मैंने ये देखो ये तो बड़ा काफ़ी लंबा प्लांट हो रहा था जामुन का, तो मैंने इसमें दो स्टिक्स को जोड़ के और फिर लगाया। ढाई ढाई फिट की मेरी ये स्टिक्स हैं। पूरा बांस तो लगाना ठीक नहीं लग रहा था मुझे इतने छोटे पॉट में, तो ये मैंने धागे से बांध के दो स्टिक्स का एक बनाया लंबा सा और फिर वो इसमें लगाया है। ये ज़रूरी होता है आपके प्लांट्स को आप सहारा ज़रूर दें जिससे है ना आंधी या हवाएं, जैसे हमारे यहाँ तो रोज़ ही चलने का काम होता है ये, तो उनको गिरा ना सके। अगर प्लांट इधर उधर गिरते हैं तो बड़ा नुकसान होता है फिर आपका। अच्छा भला प्लांट अगर इधर उधर निढाल हो जाता है तो। सब्जियों में भी यही बात लागू होती है, इसलिए आप उनको ऊपर चढ़ाने के लिए बेलों को या फिर जो लंबे प्लांट्स हैं उनको स्टिक करने के लिए ज़रूर ध्यान रखें। तो बस ये हमारा काम हो गया और बहुत शानदार बारिश का भी आनंद ले लिया हम लोगों ने जयपुर में। उम्मीद करती हूँ बड़े ही आसानी से हो जाते हैं, आप लोगों को बिल्कुल समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अभी और अगर ऑनलाइन आते हैं फूड प्लांट तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।